अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लेकर आ गई बहुत ही सिंपल और इजी मिठाई की रेसिपी, जो हम सिर्फ एक कप दूध से बनाएंगे। ना हम इसमें खोया डालेंगे, ना ही चाशनी बनाने की झंझट, कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। जब आपके मेहमान आ जाए अचानक से, तो ये मिठाई बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। एक कप दूध ले लेंगे हम और उसे डायरेक्ट हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने मिल्क लिया है। इसके अंदर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। एकदम लम्स फ्री बैटर हम बनाकर तैयार करके रख लेंगे। अब हम इस जो दूध था हमारा, उसके अंदर हम 3 टेबल स्पून के करीब शुगर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा शक्कर भी डाल सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर इसके अंदर डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो हमने कस्टर्ड पाउडर का जो बनाया था मिक्सर, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। और फ्लेम को ना हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, मतलब ना ज़्यादा लो रखेंगे और ना ही ज़्यादा हाई रखेंगे। और इसे एकदम अच्छे से हिलाते हुए पकाएंगे। बीच में ज़रा भी हमें छोड़ना नहीं है। और इसमें ना 1 कटोरी घिसा हुआ नारियल और 1 कटोरी मिल्क पाउडर हम ऐड कर देंगे। और अब ये ना मैंने मुट्ठी भर काजू बादाम लिए थे, इसे हम दरदरा सा पीस कर इसके अंदर डाल देंगे। ये टोटल ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डालें, ना डालना चाहे ना डालें। अब इसे भी मिक्स करते हुए अच्छा पका लेंगे। तकरीबन 5 मिनट हमें पकाना है और आधे चम्मच से भी कम हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे एकदम अच्छे से। और उसे भी इसके अंदर एकदम अच्छे से मिक्स करनी है। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी आ गई, मतलब ये बनके तैयार हो गया। कोई भी बर्तन ले लीजिए, पहले उसे तेल या घी से ग्रीस कर लीजिए। अब अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं, और नहीं तो रूम टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए छोड़ दें इसे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गई और कितनी इजीली ये निकल गई है और कितनी अच्छी दिख रही है। इसे वैसे मिल्क पेड़ा बोलते हैं, कस्टर्ड मिठाई बोलते हैं, आप क्या इसे नाम देंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और जैसे जैसे मैंने बताया वैसी बनाइए, बिल्कुल आपकी मिठाई ऐसी ही बन के तैयार होगी। सो स्पॉन्जी इतनी अच्छी बन के तैयार हुई थी, मेरा दिल बोल रहा था इसे खेलूँ थोड़ी देर। और फिर बाद में ना, ये भी ऑप्शनल है, इसे घिसे हुए नारियल में कोट कर ले, ना करना चाहे तो ना करें। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।